तो सबसे पहले हम बात करेंगे Rozee.pk पे। मुझे पर्सनली एक साइट काफ़ी पसंद है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे Rozee.pk सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट अगर आपको ये ना मिले, आप सिर्फ गूगल क्रोम में आके Rozee सर्च करें और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी Rozee.pk। इस पर क्लिक कर दें, आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे पहले कभी आए हैं और आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसमें लॉगिन पे क्लिक करें और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो भी बेहतर बात है। हम यहाँ पे शुरू से मैं आपको लेके चलूँगा कि इस पर आप अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और अपनी प्रोफाइल किस तरह सेटअप करेंगे और बाद में जॉब्स पे किस तरह अप्लाई करें। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो साइनअप पे क्लिक कर लें और इस पेज पे होम पेज से किस तरह आएंगे आप, सिर्फ जब होम पेज पे आएंगे तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है साइनअप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो नेम है आप वो लिख लें, जो आपका पर्सनल नेम है आप वो यहाँ पे मेंशन कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपकी ईमेल हो वो यहाँ पे लिख लें। आपने जो ईमेल यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे रिपीट करेंगे, मतलब सेम ईमेल, यही ईमेल आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये लें। उसके बाद जो आपका पर्सनल नंबर होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। पर्सनल नंबर क्यों मेंशन करना है, ताकि जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनको आपकी CV अच्छी लगी है, मतलब उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी है और उनको लगा है कि आप हाँ उनके काम के लिए सही हैं, तो फिर जो आपने यहाँ पे नंबर मेंशन किया होगा और जो ईमेल मेंशन की होगी वो इन दोनों के ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें सही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल पर्सनल ईमेल यहाँ पे लिखनी है, उसी ईमेल को यहाँ पे रिपीट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पर्सनल नंबर मेंशन कर देना है। बाद में क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें और ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। यहाँ पे ये आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का कहेगा। आप जब फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे होंगे तो ये आपसे प्रोफाइल कंप्लीट करने का पूछेगा, ये आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे जो भी डिटेल दें वो एक्यूरेट डिटेल दें, और इन पांचों वेबसाइट पे जिन पे आज हम बात करेंगे आप इन पांचों वेबसाइट पे अपनी सही डिटेल मेंशन करें, ताकि जो आपको जो प्रोवाइड कर रहा है जब आप वहाँ पे अगर उनको आपकी CV अच्छी लगती है और वो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पे सही होगी तो फिर आपको वहाँ पे कुछ मुश्किल पेश नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे अपनी डिटेल गलत दी होगी, मतलब यहाँ पे आपने लिख दिया कि ऐसी तो चले, यहाँ पे आपने लिख दिया कि मेरी उम्र है 20 साल, वहाँ पे आप जाएँ तो फिर आपकी उम्र 34 साल ID कार्ड से हो रही हो, तो फिर ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। एक तो वो आपको जॉब भी नहीं देंगे और ऊपर से आपकी यहाँ पे प्रोफाइल को भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दें वो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें और टाइम बाय टाइम आप इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहा करें कि आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस क्या हो गया है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो सकती है, जैसे कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर गए हैं तो आप यहाँ पे अपनी सिटी को भी अपडेट कर दें। ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि जो आपको जॉब दे रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि ये बंदा हमें सही डिटेल प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा काम भी सही से करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस लेवल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद जो आपका करियर लेवल है, करियर लेवल क्या चीज़ है कि अभी तक आप प्रोफेशनली किस लेवल पे हैं, प्रोफेशनली किस लेवल पे होने से मुराद ये है कि आपने क्या अभी पहले कभी किसी कंपनी में प्रोफेशनली काम किया हुआ है। अगर तो किया हुआ है तो आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होंगे, और अगर आपने किसी कंपनी में प्रोफेशनली काम नहीं किया, और प्रोफेशनली काम करने का मतलब ये है कि आपने उस कंपनी में काम किया और कंपनी ने आपको पे किया, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस माना जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने काम किया और कंपनी ने पे नहीं किया गया तो फिर वो आपका इंटर्न लेवल माना जाता है। तो आप अगर आपने अभी तक कोई पेड जॉब नहीं की हुई तो आप यहाँ पे एंट्री लेवल को सिलेक्ट कर लें, और अगर आपने पेड जॉब की हुई है, मतलब आपका पहले साल दो साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी सिटी सिलेक्ट करें, जो भी आपकी सिटी हो जहाँ पे आप रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, और ये आप देख सकते हैं ये आई को, अगर आपने देखना हो कि अपना जो पासवर्ड, वैसे अगर आप टाइप करेंगे तो ये सिक्योर लेटर्स में आएगा, मतलब नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्योंकि खुद टाइप कर रहे होंगे, अगर आपने देखना कि क्या आप अपना पासवर्ड सही लिख रहे हैं तो आप सिर्फ इस आई आइकॉन पर क्लिक करेंगे
तो वो यहाँ पे पासवर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए वो नीचे बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 करेक्टर होना चाहिए, मतलब कि जो पासवर्ड है वो 8 करेक्टर से नीचे नहीं हो सकता, ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा। जो फील्ड्स रेड हो जाए वो मतलब कि वो एरर है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप आगे जा सकते हैं। और किन फील्ड का डाटा देना आपको ज़रूरी है वो ये वाली फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स के आगे ये हल्का सा लाल स्टेरिक आ रहा है ना, उन फील्ड की इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है, उसके बगैर ये फॉर्म आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं देगा। मतलब कि हम देख सकते हैं कि इसके आगे आपका ना वो स्टेरिक नहीं आ रहा, मतलब आप अगर इसको फिल नहीं भी करते, इसको मैं सिलेक्ट नहीं भी करूँगा तो ये नेक्स्ट का बटन काम करेगा। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी फील्ड को, मगर मैं अगर मैं अपनी सिटी नहीं प्रोवाइड करता, मैं यहाँ पे लाहौर नहीं लिखता, तो फिर जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा ये जो जो रिक्वायर्ड फील्ड थी उसने उनको मेंशन कर दिया कि इनका डाटा मुझे प्रोवाइड करो। आप वो सारा डाटा प्रोवाइड करें जो रिक्वायर्ड है, और दूसरा डाटा भी प्रोवाइड कर दें, वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आपको कोई जॉब आपकी CV देखेगा। तो उसके बाद आप जो डिज़ायर जॉब टाइटल है यहाँ पे, जो आप चाहते हैं कि जो जॉब आपको प्रोवाइड की जाए, मतलब अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप जॉब टाइटल में लिखेंगे डेवलपर। उसके बाद आप, मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे जो जॉब्स के अलर्ट मिले, मैं आपको जॉब अलर्ट का अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप अभी सब ये देख लें कि यहाँ पे आपने उन सारे जॉब्स के टाइटल को लिखना है जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि इस तरह की जॉब मुझे प्रोवाइड की जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिज़ाइनिंग की जॉब मिले तो आप डिज़ाइनर यहाँ पे लिख लें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको एक टीचर की जॉब मिले, आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टीचर या इंस्ट्रक्टर लिख लें। और यहाँ पे आप 3 टाइटल्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिज़ायर्ड सैलरी है, और डिज़ायर्ड सैलरी का ये नहीं है कि आप 2-3 लाख लिख दें, जो आपके एक्सपीरियंस के हवाले से बनती है, जिसका सही तरीका क्या कि अगर आपने लास्ट टाइम कहीं पे जॉब की थी, कि मैंने लास्ट टाइम जॉब की मुझे वहाँ पे मेरी सैलरी थी 20,000 रुपया, तो मैं यहाँ पे अपनी डिज़ायर सैलरी 30,000 तक लिख सकता हूँ। और मैं अगर बहुत ज़्यादा कि मैंने बीच में कोई नया स्किल सीख लिया तो मैं 40,000 तक लिख सकता हूँ। डिज़ायर सैलरी लास्ट सैलरी से 2 गुना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती है, और वो भी इस सिनेरियो में कि आपने बीच में कोई नया स्किल सीख लिया। ओके, मतलब कि आप पहले एक डेवलपर थे, आपको HTML आती थी, अब आपने रिसेंटली PHP भी सीख लिया, तो आपकी पहले जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपया, अब आप अपनी डिज़ायर सैलरी 40,000 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कभी जॉब की ही नहीं तो आप अपनी डिज़ायर सैलरी को 20,000 तक ही लिखें। ये क्यों आप लिखें? ताकि आपको जॉब जल्दी मिल जाए। जॉब यहाँ पे क्योंकि जो आपकी CV देखेगा, आपकी CV में अगर आपने पहले कहीं जॉब नहीं की हुई तो ज़ारी बात है आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं होगा मेंशन करने के लिए। तो आपने अगर जॉब का अपनी यहाँ पे डिज़ायर सैलरी कम लिखी होगी तो हो सकता है कि वो कंपनी वाले आपको एज ए इंटर्नशिप, कि आपने अगर यहाँ पे 20,000 लिखा तो हो सकता है कि वो आपके स्किल्स देखे कि चले इसको HTML आती है या ये थोड़ा बहुत लोगो बना लेता है, तो आपको 10,000 तक एक जॉब ऑफर करते हैं। तो आपकी वो क्या होगा कि आपका एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जब स्टार्टिंग में हो तो आप एटलीस्ट अपना प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट करने की कोशिश जल्दी करें, क्योंकि जब आपका प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरी लास्ट सैलरी 10,000 थी, अब मैंने 20 या 30,000 लिखना है यहाँ पे डिज़ायर में। अगर आपकी लास्ट कोई जॉब ही नहीं आपने की हुई तो आप फिर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपका फ्रेश है, आप बिल्कुल नया अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बेहतर ये है कि 15 से 16,000 लिख लें, नहीं तो फिर आप 19 से 20,000 तक लिख सकते हैं, उससे ऊपर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे। अगर आपने यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपया सैलरी लिख ली है तो फिर हो सकता है कि कोई आपको जो ऑफर ही ना करे कि भाई इसने तो सैलरी अभी बहुत ज़्यादा लिखी है, इसको कोई एक तो स्किल भी नहीं आता और इसने सैलरी भी इतनी ज़्यादा डिज़ायर लिखी है, तो इस वजह से वही सैलरी लिखें जो आपकी सूटेबल, जो आपकी बनती है। उसके बाद यहाँ पे रीलोकेशन, रीलोकेशन का क्या मतलब है कि अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो अगर जॉब जो थी वो है कराची में, तो क्या आप री एलोकेट हो सकते, मतलब कि आप क्या वहाँ पे हॉस्टल में रह के जॉब कर सकते हैं? अगर आप इस काम को कर सकते हैं, मतलब विलिंग है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, तो फिर आप ये चेक करें। क्योंकि अगर आपने, मैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें कि बाद में वो आपको जॉब प्रोवाइड करें, इससे कोई इस चीज़ से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता कि भाई इसने कहा था कि मैं रीलोकेट कर लूँगा अपने आप को, लेकिन अब हम इसको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कह रहा है कि नहीं मुझे लाहौर में चाहिए। इससे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कहूँगा कि इन 5 साइट्स पे जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि आपकी CV पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपकी CV
जो प्रोवाइडर्स हैं उनमें अपलैंड करें। उसके बाद ये सीवी प्राइवेसी सेटिंग, मैं आपको ये स्ट्रिक्टली कहूँगा कि आप इसको हमेशा पब्लिक रहने दें। इसका मतलब क्या है कि जो सारे जो जॉब प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, जो कंपनीज के अकाउंट इन पे बने हैं, वो आपकी सीवी को देख सकते हैं। अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन दे के अपनी बहुत अच्छी सीवी बना के इसको प्राइवेट कर दिया ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके अलावा आपकी सीवी कोई देख ही नहीं सकता। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने का हमें फ़ायदा क्या होगा। इसलिए आपने इसको हमेशा याद रखना है। और मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि आप सेटिंग्स में जाके किस तरह देख सकते हैं कि आपकी जो सीवी है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। तो ये हमेशा पब्लिक रहनी चाहिए। उसके बाद हमने देख लिया, हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ये क्योंकि वो हमने प्रोवाइड नहीं थी कि इस वजह से ला रहा है, हमने अभी प्रोवाइड कर दी इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नेक्स्ट हो गया, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली।